पवार, आप देख रहे हैं अतर न्यूज की खास खबर। गौरझामर थाना क्षेत्र ग्राम जरुआ में 20 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय नवविवाहिता के पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष वालों ने दहेज में बुलेट बाइक न देने के कारण उनकी बेटी को जहर देकर मार डाला। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतिका के पिता प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि उनकी पुत्री राजकुमारी की शादी लॉकडाउन में 6 मई 2020 में केसली विकास खंड के ग्राम जरुआ में अनिल पिता राममिलन राजपूत के यहां हुई थी। शादी के दौरान उन्होंने 1.5 लाख रुपए नगद एवं गृहस्थी का सभी सामान दहेज में दिया था। पिछले 4 महीने से ससुराल पक्ष वाले मेरी बेटी को परेशान करते हैं। बेटी ने कई बार फोन पर बताया कि पति, सास, ससुर और नंद उनके साथ मारपीट भी करते हैं एवं बुलेट बाइक की मांग करते हैं। प्रताप का आरोप है कि बुलेट बाइक न देने के कारण मेरी पुत्री को जहर देकर मार दिया गया। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी की रात्रि को तबीयत अधिक खराब होने के कारण राजकुमारी को केसली से सागर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन से उनकी बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी प्राइवेट में केसली के सत्यम सोनी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराते रहे, लेकिन मायके पक्ष वालों को कोई जानकारी नहीं दी। इस मामले में SDOP पूजा शर्मा का कहना है कि नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और दोनों पक्षों के कथनों के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। भाई साहब, अमोल जी, क्या घटना घटित हुई आज आप अस्पताल आए? घटना बच्ची खत्म हो गई, छोटी भैया। क्या कारण रहा? कारण तो यह है, तो पड़ताल करते हैं उस के दिन से। कौन पड़ताल करता था? सास नंदू की, वो जानकारी हमारे लिए मिली एक दो बार ऐसी है, लेकिन हमने अपनी कदर सोच के हमने उनसे कुछ नहीं की। और विपरीत कर अब उसके बाद में 2 दिन से उनके पास में एक बच्ची थी, छोटी बच्ची, उसकी बहन, उसको भी पास नहीं जाने दिया और जहर दे दिया। क्या हो गया उसका, वो जो पीस ली, 2-3 दिन इलाज कराया इनने। और हम 14-15 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन इनने कोई फोन नहीं लगाया, कोई खबर नहीं दी। उसके बाद में सागर से लौट के जब हमारा छोटा भाई वहाँ पहुँचा अस्पताल में, जानकारी दूसरे लोगों ने बताई, तो वो तो अचेत थी, वहाँ समझ नहीं थी। तत्काल वो सागर पहुँचाया। अब सागर में वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ इलाज हुआ है सागर श्री में, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि इलाज होगा। क्या नाम था लड़की का? राजकुमारी। कहाँ शादी हुई थी? शादी जरूर राम मिलन के बालक प्रताप सिंह। प्रताप जी, आपकी बच्ची की मौत हो गई है, क्या वजह मानते हैं आप? जी, वो जहर दिया है सर, और दहेज मांगते थे, बुलेट मोटरसाइकिल मांगते थे। दहेज पूरा दिया था अपन ने शादी में। कब से परेशान कर रहे थे? जी 4 माह पहले से। 4 माह से बुलेट मांग रहे थे जी। और क्या कह रहे थे? जी बोलते थे कि बुलेट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे लिए छोड़ेंगे ना तो मारेंगे। बच्ची से कहते थे? बच्ची से बोलते थे जी। तो बच्ची आपको बता दी जी? अच्छा, तो आपको ये घटना की जानकारी मिल गई थी? घटना की जानकारी नहीं दी सर उन्होंने, वो तो हमारी ने फोन लगाया, फिर बोले कि ब्लड प्रेशर लो है इसका। आज ये नहीं बताया कि इसने क्या किया है, कि क्या आया है। जरुआ गांव में। जरुआ गांव कब हुई थी? जी 6 मई को। 6 मई 2020 में जी। तो शादी के बाद से ही ये लोग परेशान कर रहे थे बच्ची को जी? उसने बताया आपको फोन ऑन पे बताया कभी? जी बताया, कई बार बताया सर। क्या बताया उसने? बोलती थी कि सब घर के मारते हैं, मम्मी भी मारती है, नंद भी मारती है, लड़का मारते हैं। किस बात को लेकर? इसी बात को कि दहेज और चाहिए। और चाहिए दहेज जी? क्या चाहिए दहेज? दहेज मोटरसाइकिल बुलेट मांगते थे, और दहेज फुल दिया था हमने, जितना होता है वो सब दिया था, 1.5 लाख रुपया नगद दिए थे। कल रात में ये रिपोर्ट हुआ था गोरझामर थाने में, तो हम लोगों ने इसमें मरक पंजीकृत करा है, विवेचना में है। जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी इसमें आगे जैसे भी साक्ष्य आते हैं, एविडेंस आते हैं, हम उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। परिजनों का आरोप है कि जहर देकर मृत्यु हुई है। विवेचना के दौरान मैं आपसे वही कह रही हूँ कि जैसा भी परिजनों के द्वारा हमारे पास साक्ष्य आएंगे, हम उसके अनुसार उसमें आगे विधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे।